हेलो गाइस, आई एम रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में डैंड्रफ के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे हम बहुत आसानी से डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि डैंड्रफ का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है एंड इससे सभी लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती है। कभी कभी तो हम लोग बाहर जाने में भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरा डैंड्रफ ना दिख जाए। तो इस डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आज तीन रेमेडी लाई हूँ जो कि बहुत आसान है। आपको ये करने में 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे एंड इन तीनों रेमेडी में से आपको एक जो आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे, तो वो आप कर सकते हो। उससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। एंड मैं आज इस वीडियो में डैंड्रफ का क्या कॉजेज है, ये रेमेडीज एंड हेयर केयर, यानी अगर आपको डैंड्रफ है तो आप कैसे, क्या क्या प्रिकॉशन है जो आप यूज कर सकते हो एंड उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, मैं सारा चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डैंड्रफ की क्या क्या कॉजेज है उसके बारे में। अगर आपको कॉजेज ही मालूम नहीं होगी तो आप उसको रिड्यूस कैसे करोगे, एंड कभी कभी हमें पता होता है पर फिर भी हम छोटी छोटी कोई मिस्टेक कर जाते हैं जिससे हमें डैंड्रफ हो सकती है। सबसे पहले, अगर आप रेगुलर शैम्पू नहीं करते हो, आपके स्कैल्प गंदे हो रहे हैं तो आपको डैंड्रफ हो सकती है। सेम थिंग गाइज, अगर आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग की प्रोडक्ट्स, यानी जेल वगैरह जो भी हो, हेयर स्टाइलिंग की जो प्रोडक्ट्स है वो आप ज्यादा यूज करोगे तो उससे भी आपको डैंड्रफ हो सकती है। अगर मान लो आप गलती से भी ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो हेयर के लिए जो एल्कोहल है जिसमें, वो भी एक रीजन है कि आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो सकती है। तो अगर आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करना तो ये देख लेना कि उसमें कोई थोड़ा सा भी एल्कोहल बेस्ड हो ना हो। सेकेंड थिंग, उसके बाद गाइस, ऑयली स्कैल्प एक कारण होता है डैंड्रफ के लिए। और एक चीज जो कि मेन रीजन है वो है एक फंगस होता है जो कि हमारे स्कैल्प में जो ऑयल होता है उसको फिट करके वो जिंदा रहता है, उसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ होती है। कभी कभी ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई जब हमारे स्कैल्प हो जाते हैं तब भी हमें डैंड्रफ होती है। जो फर्स्ट रेमेडी है उसके लिए मैं ये नीम लीव्स ले रही हूँ। इसको अब मैं, ये जो एक ग्लास पानी है इसमें मैं बॉईल करूँगी। जब तक ये एक ग्लास पानी आधा ना हो जाए तब तक इसको बॉईल करना पड़ेगा, ताकि नीम का जो एक्सट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से पानी में आ जाए। अब इस पानी को स्टेन करके मैं एक कटोरे में रख रही हूँ। ये देखो, अब इसमें मैं ऐड करूँगी शैम्पू। मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ इसलिए मैं यही शैम्पू ऐड कर रही हूँ। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो आप उसको ऐड कर सकते हो। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब मैं इसको अपने हेयर में लगाऊंगी। यानी आप जैसे ही शैम्पू करते हो आप इस तरीके से अपने शैम्पू को यूज़ करोगे। उसके बाद हेयर वॉश कर लिया है। वन थिंग गाइज, एक चीज का आप ध्यान रखना, जब आप इस रेमेडी को यूज करोगे तो कंडीशनर ज्यादा यूज करना, ओके, वरना आपका हेयर ड्राई हो सकता है। सेकेंड रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाटर लिया है। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल साइडर विनीगर। ये एज इट इज का है। 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनीगर आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। एंड अब इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। ये रेडी हो चुका है, ये देखो। अब ऐसे इसको अपने स्कैल्प पे आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ऐसे अच्छी तरीके से शैम्पू करने से 1/2 आवर पहले आपको पूरे हेयर में इसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू यूज करो,
ओके। इससे आपको, अगर आप इसको भी कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो देखोगे कि आपको कैसे आसानी से डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल गया। वन थिंग गाइस, मैं जिन जिन रेमेडी के बारे में बोलूंगी वो आप सिंगली यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज कर लिया, उसके साथ लेमन भी यूज कर लिया एंड वो नींबू वाटर भी यूज कर लिया, ऐसा नहीं है। आपके पास, आपके घर पे जो भी अवेलेबल है, यानी आपको जो रेमेडी आसानी से आप यूज कर पाओ वही आप यूज करना। तीनों के तीनों ही बहुत अच्छे रेमेडीज है गाइस, आप इसको यूज करो, आप समझ पाओगे कि ये कितना बेनिफिशियल है आपके हेयर के लिए। मेरा जो थर्ड रेमेडी है उसके लिए मैं ले रही हूँ प्योर कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल अवेलेबल है आप उसे ले सकते हो। एंड इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, 5 to 6 ड्रॉप इज एनफ। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। रेमेडी भी तैयार है, ये देखो, ऐसे ऑयल में इसको डब करो एंड फिर अपने स्कैल्प पे इसको लगा लो। फिर हल्के हाथों से मसाज दो हेयर को इस तरीके से। फिर हाफ एन आवर बाद आप शैम्पू यूज कर लो। इससे आपको, अगर इस तीनों रेमेडी को आप कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली खत्म हो चुका है। एंड वन थिंग गाइस, ऐसा नहीं है कि आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम चला गया और आपने इसको यूज करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जब आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है वो होगा तब आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे, यानी कि आप फ्रिज में जितने टाइम भी शैम्पू करते हो उतने टाइम ही आप इसको यूज करोगे। ओके, जब आप देखोगे कि आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तब इसको वीकली एक बार ट्राई करना, उसके बाद वीक में 2 बार, उसके बाद मंथ में 1 बार, इस तरीके से आप इस रेमेडी को यूज करना। पर इसको यूज करना बंद मत करना, फिर ना ऐसा फिर ऐसा हो सकता है कि आपका डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम है वो वापस से शुरू हो जाए। तो एंड ये रेमेडीज हमारे हेयर के लिए भी, सिर्फ डैंड्रफ के लिए नहीं गाइस, सिर्फ डैंड्रफ के लिए नहीं गाइस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। एंड जो लेमन है वो आपको पता ही है, एंड जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये चीजें हमारे जो हेयर है इसको शाइन भी प्रोवाइड करता है। एंड एप्पल साइडर विनेगर तो हमारे स्कैल्प में पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है, तो आप इसको जरूर कंटिन्यूअसली यूज करना। इसके साथ हर रोज आप जितना हो सके वीक में, जब आपका सीवियर डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा तो तब आप वीक में ट्राई करना कि मिनिमम 3 टाइम आप शैम्पू यूज कर सको। एंड हो सके तो कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना इन रेमेडीज के साथ, एंड कंडीशनर तो मस्ट गाइस। एंड सेकेंड थिंग गाइस, आप अच्छे से ऑयल मसाज करना। ओके, ऑयल मसाज इज मस्ट। आप अगर आप विनेगर वाला जो मैंने दिखाया है वो यूज कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ कोकोनट ऑयल जब आप शैम्पू करोगे उसके पहले आप सिर्फ कोकोनट ऑयल मसाज कर सकते हो, पर ऑयलिंग तो करना। उससे क्या होता है, जो हमारे स्कैल्प में ड्राइनेस होता है उसको, वो रिड्यूस होता है, क्योंकि आपको तो पता है, मैंने पहले ही बोला है, ड्राइनेस एक वजह है जिससे हमें डैंड्रफ हो सकती है। एंड जो जो शैम्पू से, अगर आप कोई ऐसा शैम्पू यूज कर रहे हो कि आपने देखा उसको यूज करने के बाद आपके जो स्कैल्प है उसमें इरिटेशन हो रही है, तो उस शैम्पू को यूज मत करना। ओके, आप तो कोई दूसरा शैम्पू यूज करना जो कि माइल्ड है एंड आपके हेयर को, आपके स्कैल्प में वो सूट करे। एंड गाइस, और कुछ बात है, जैसे कि अनहेल्दी डाइट की वजह से भी हमें डैंड्रफ हो सकती है, तो ऐसा कोशिश करना कि जितना हो सके ऑयली खाना, अनहेल्दी फूड्स आप अवॉइड करो। एंड और एक बात, जो इस सिचुएशन में हम सभी को, किसी को ज्यादा किसी को कम है ही, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक वजह है जिससे हमें डैंड्रफ हो सकती है, तो स्ट्रेस मत लेना। पता है कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है पर उससे हमें फायदा तो कुछ नहीं होता है, तो ऐसा करना कि कोशिश करना कि आप खुश रह सको।
एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करो, उससे सिर्फ डैंड्रफ नहीं बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। तो इन तीन रेमेडीज के साथ आपको ये चीजें भी फॉलो करनी है, तो फिर आप ये सिर्फ डैंड्रफ के लिए नहीं है, आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है ये मैंने जो भी अभी कहा ये सारा कुछ। तो इनको जरूर ट्राई करना एंड मुझे जरूर बताना आपको कैसा रिजल्ट मिला है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली वन वीक ट्राई करो, जिनका सीवियर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या जिनका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो वन वीक यूज में ही आप देख पाओगे कि ये कितना फायदेमंद है। ये मैं 110% आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगता है एंड इस वीडियो से आपके किसी जानने वाले को कोई भी मदद मिल सकती है तो इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एंड वन थिंग गाइज, अगर आप मेरे वीडियोस को रोजाना देखते हो पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड उसके बाद जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करना ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे हैप्पी एंड घर पे ही रहना, ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। बाय।